चाहिए मेरी माँ को, तुम लोग मिल के पैसा चाहिए था मांग लेते ना, सुबह से 1 लाख 2 2 लाख 2 3 लाख 2 सुबह बोले 6 लाख 6.5 लाख रुपए ले रहे हो, इसके एसी बंद है, हमको चाहिए 8-10 लाख रुपए ले लो अभी के अभी। फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी बता, अभी सही सही मारूंगा ना तेरे को बता रहा हूँ मैं। वापस क्यों आया, वापस चीजें नहीं मिल रहा था उसको फ्लाइट में। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है, मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए, न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है। टेक ऑफ करने के बाद जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी, 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है। कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे लोग, अभी बता दे रहा हूँ। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूँ मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कुछ निजी अस्पताल इलाज से ज़्यादा फोकस कमाई पर किए हुए हैं और यही फोकस जो है एक बड़ी समस्या या बड़े विवाद को जन्म देता रहा है। ऐसे तमाम किस्से पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों यानी कल रायपुर के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल MMI हॉस्पिटल में जो हुआ वो बहुत ही दुखदाई है और अस्पतालों की छवि जो है पूरी तरीके से धूमिल करने वाला है। मामला बहुत ही विकट है और इस विकट मामले में एक महिला की जान चली जाती है और उस जान चले जाने के बाद उसका बेटा जिस तरीके से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करता है, उससे अस्पताल की हकीकत उजागर हो जाती है। आपको बताते हैं पूरा मसला क्या है। दरअसल MMI हॉस्पिटल में रायपुर में रहने वाले खेमानी परिवार की भारती देवी जी को 2 सितंबर को भर्ती कराया जाता है उनकी तबीयत खराब होने के कारण। करीब 10 दिन इलाज चलने के बाद जब स्थिति में सुधार नहीं होता है और उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो अस्पताल जो है उनको बेंगलोर के लिए रेफ़र करता है और रेफ़र करने के लिए उनको सलाह देता है कि वो एयर एम्बुलेंस से जितने जल्दी हो सके उनको, यानी कि भारती देवी को, बेंगलोर लेकर के चले जाए। अस्पताल में ही रेड एम्बुलेंस का दफ्तर है जो कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा देता है, वहाँ जो है एक एम्बुलेंस बुक कराई जाती है, लेकिन अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है रेड एम्बुलेंस द्वारा, उसमें भी तमाम तरह की खामियां होती हैं। इसके अलावा जो एयर एम्बुलेंस होती है उसमें ऑक्सीजन की समस्या होने के कारण महिला को जो है बेंगलोर ले जाना मुश्किल हो जाता है और हवाई जहाज यानी कि जो एयर एम्बुलेंस है 15 मिनट बाद ही वापस रायपुर में ही लैंड कर जाती है। इस पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं भारती देवी जी के भतीजे, जिन्होंने तीरंदाज को फोन पर जो भी जानकारी दी। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम उस वायरल वीडियो को भी दिखाते हैं जिसमें भारती देवी जी के पुत्र यानी कि ओम खेमानी पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, उनकी करुण वेदना और जिस तरीके से उन्होंने घटना के बारे में बताया वो रेंटे खड़े कर देने वाला है। और साथ ही अस्पतालों में जिस तरीके से लूट खसोट मचाई जाती है, यानी मरीजों को केवल एक बिजनेस का हिस्सा भर मान लिया जाता है, उसकी भी एक वानगी इस वीडियो में आपको दिखाई देगी। मम्मी भाभी जी का जो इलाज है MMI में चल रहा था, 10 दिन से उनका 8 लाख रुपए बिल भी हो गया जो हमारा पूरा पेट था बिल। फिर से डॉक्टर साहब ने बोला कि अब वहाँ पर रिकवरी नहीं हो रही है तो इसलिए वो रेफर किए हैदराबाद, और उसके लिए उन्होंने प्रोसेस बताया कि एयर एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जा सकता है बाई एयर। ठीक है। और उसका काउंटर नारायणा MMI के अंदर में ही बना हुआ है। अच्छा। रेड एम्बुलेंस के नाम से रेड एम्बुलेंस एक है एसोसिएशन जो एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है जिसका टाई अप नारायणा MMI के साथ है। तो इस 8 लाख के अलावा 6,11,000 रुपए अतिरिक्त हमसे लिए गए एयर एम्बुलेंस के लिए, तो वो भी हमने दिए। लेकिन इनकी लापरवाही ये थी कि इतनी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में भी जो पिछले 10 दिनों से पेशेंट के वेंटिलेटर पे था तो एक ऐसा एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया जिसकी वेंटिलेटर मशीन ही खराब थी। वेंटिलेटर मशीन खराब थी उस एयर एम्बुलेंस की। तो जब एयर एम्बुलेंस टेक ऑफ हुआ पेशेंट को लेके तो 5 मिनट में ही उनको ये रियलाइज हो गया कि उनकी वेंटिलेटर मशीन खराब है और नहीं चल रही है, और उतने में ही पेशेंट की शायद डेथ हो चुकी थी एयरक्राफ्ट के अंदर में ही। स्वाभाविक सी बात है कि कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है और आप उसको बिना वेंटिलेटर के ले जाओगे तो अधिक से अधिक लाइफ कितने मिनट रहेगी, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट।
तो वो हादसा एयरक्राफ्ट के अंदर ही हो गया और वो 10 मिनट के अंदर में ही एयरक्राफ्ट जो हैदराबाद के लिए टेक ऑफ हुआ था 2 घंटे में पहुंचने के लिए, वो 10 मिनट में ही रायपुर में लैंड कर दिया वापस। हैदराबाद गया ही नहीं, पेमेंट पूरी हैदराबाद तक के लिए 6,11,000 रुपए और 10 मिनट में ही रायपुर एयरपोर्ट पे वापस लैंड कर दिए एयरक्राफ्ट को। और उसके बाद वो पेशेंट को दे दिए कि आप भैया इनको वापस MMI लेके चले जाइए। तो ये तो क्या है, इतनी बड़ी लापरवाही है, ये तो समझिए कि हत्या है कि आप तैयारी ही नहीं है एयर एम्बुलेंस का, आपको पता ही नहीं कि उसका होता क्या है मायने। एयर एम्बुलेंस मतलब उसमें पूरी हर चीजें सुविधाएं रहनी चाहिए। उड़ान भरने वाले एक अस्पताल को एयर एम्बुलेंस बोला जाता है, तो एक ऐसा अस्पताल दिया गया था जिसमें वेंटिलेटर ही नहीं है, उनकी वेंटिलेटर मशीन खराब थी एयर एम्बुलेंस की। तो शिकायत उसी चीज को लेके है कि अस्पताल प्रबंधन और एयर एम्बुलेंस जो उनका टाई अप है रेड एम्बुलेंस के साथ में, दोनों की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण ये मृत्यु हुई। तो हमने स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ भी मैं गया था सुबह, उनको भी मैंने लिखित में आवेदन दिया और उनसे निवेदन किया कि सर इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरी माँ को तुम लोग मिल के पैसा चाहिए था, मांग लेते ना सुबह से 1,00,000 2,00,000 2,00,000 सुबह मार दिए जो मेरी मम्मी को, इतना मार दिए मेरी मम्मी को, कोई नहीं तुम्हारी वेंटिलेटर मशीन काम नहीं कर रही है, उसको फ्लाइट को लैंड करो, फ्लाइट लैंड करो, मार दिया मेरी मम्मी को तुम लोग मिलके। फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी बता, भी सही सही मारूंगा ना तेरे को बता रहा हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम थी मुंह से बोला, क्या प्रॉब्लम थी फ्लाइट में, मशीन फ्लाइट वापस मोड़ के आई है कि नहीं आई है, क्यों नहीं आई, क्यों आई है बताओ, तो पता नहीं चला पेशेंट वापस क्यों आ रहा है फ्लाइट में, वापस आई है मेरे को पता है, वापस क्यों आया है, वापस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उनको फ्लाइट में, उनको बोल रहा हूँ अगर आपकी मशीन काम नहीं कर रही है फ्लाइट मोड़ो, फ्लाइट मोड़ो, कोई सुनने को तैयार नहीं है फ्लाइट में, ऊपर ये एम्बुलेंस खराब है, इसकी एसी बंद पड़ी है वहाँ पे, वहाँ फ्लाइट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसकी भी मशीन खराब है अंदर, इससे भी जो मशीन लगी हुई है वो भी खराब लगी हुई, डॉक्टर का है 6,00,000 6,00,000 रुपए ले रहे हो, इसकी एसी बंद है, फ्लाइट में ऑक्सीजन नहीं है, मशीन बंद कर दी है ना, सब यहाँ चुप करके बैठे हो, फ्लाइट में इनकी मशीन नहीं चल रही है ना, हमको चाहिए 8-10 लाख रुपए ले लो अभी के अभी, मैं बोल रहा हूँ आपकी मशीन नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, फ्लाइट मोड़ो नहीं सर सब सही है, सब सही है बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी मोड़ो वापिस, मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण, मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है, मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं, उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा हैदराबाद ले जाओ, मैं बोले ठीक है, बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ, रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे, रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए, सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए, रोज का 1 लाख अलग दिए, 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं, न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी, फिर ले देके हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें बोला गया था 2 रिलेटिव पेशेंट के साथ जा सकते हैं, मैं और मेरे बड़े भैया अविनाश भैया इधर आओ, मैं और मेरे बड़े भैया यहाँ से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ बोलते हैं एक ही रिलेटिव साथ में चल सकता है, 2 लोगों को नहीं लेके जाएंगे, वरना आप अपने पेशेंट के साथ यहीं रहो, तो मैं अपनी मम्मी के साथ चला गया, मैं उतर गया एयरक्राफ्ट से, इनको एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद भी उतर गया, वो भी कोई मैटर नहीं है, मेरी बात वो भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन तकलीफ ये है जैसे कि उनके एयर एम्बुलेंस के टेक ऑफ करने के बाद जो कि हैदराबाद में लैंड होनी थी 15 मिनट के अंदर रायपुर में लैंड हुई है, उनका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है, अरे बाबू भाई रो मत, सुनो तो सही आप, बहुत हॉस्पिटल है ये पता है तेरे को, हॉस्पिटल उसके बाद में अपनी धोती झाड़ रहा है कि इसमें रेड एम्बुलेंस की गलती है, इनका टाई अप है रेड 15 मिनट में, 15 मिनट में पूरा पेमेंट लेने के बाद में 6 लाख जो हैदराबाद में उतरना चाहिए एरोप्लेन उसको रायपुर में उतार दिया गया है, तो इसमें हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि क्यों उतारे, अरे उसके बाद पेशेंट मेरी चाची जिंदा थी, उसके बाद मेरी पेशेंट चाची जिंदा थी, रायपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद भी हमारी चाची जिंदा थी, यहाँ तक
हाँ। एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं है तो वहाँ से भी बिना डॉक्टर वाले एम्बुलेंस में यहाँ तक लाए हैं और वो आते आते यहाँ तक उनके डेथ हो गए क्योंकि डॉक्टर फ्लाइट वापस लैंड करो आपकी मशीन काम नहीं कर रही है वेंटिलेटर वाली फ्लाइट तुरंत लैंड करो सुनो तो बोलते पहले पायलट से बात करो पायलट को बोल रहा हूँ तो बोलता है डॉक्टर से बात करो मैं बोला मेरी माँ को ठीक कर रहा है वापिस रायपुर लैंड करो लैंड करके हॉस्पिटल लेके आए मेरी मम्मी नहीं बची इनके कारण इनकी कोई गलती से कोई भी गलती से इस हॉस्पिटल में बता रहा है तुम्हारे घर वालों को मार देंगे लोग अभी बता दे रहा हूँ पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो सिंधी समाज के जो सदस्य हैं जो सिंधी समाज से जुड़े हुए लोग हैं अमित चिमनानी जो कि भारतीय जनता पार्टी में स्पोक्समैन भी हैं वो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले को लेकर के मिलते हैं और एक बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इस मामले में हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने एक जाँच समिति गठित करने की बात कही है और जाँच शुरू भी हो गई है अब आगे देखते हैं कि इस बड़ी लापरवाही के लिए किस लोगों पर कार्रवाई होती है। हालांकि बहुत सारे लोग उनके परिवार के लोग इसे गैर इरादतन हत्या का मामला बता रहे हैं। कल की घटना के लिए मुझे बहुत दुख है दिवंगत आत्मा भगवान शांति क्योंकि इस प्रकार की जो बातें विविध मीडिया के माध्यम से और आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरे पास बात रखी है कि एयर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मौत हो गई तो निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसी घटनाओं को भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी इस प्रकार की लापरवाही ना करे इसके लिए मैंने अपने DHS को संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर इनको जांच हेतु निर्देश दे दिया है और इन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी उनको जांच के लिए आदेशित कर दिया है और आज से हमारी जाँच चल रही है। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एहसास अपनेपन का।